अच्छा, इस पेस्टिंग हो रही है अभी। ये हाँ, ये मसाला डोसा कहलाता है, पोटैटो का। और अच्छा दानवे, क्या वजह है कि आपने जो है ये इंडियन डोसा ही जो है इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर? नहीं, फील्ड तो बहुत बड़ी है, मगर इस हमारी जो कौम है, हमारे पाकिस्तानी बिरयानी से बाहर नहीं आ रहे। बिरयानी बहुत मशहूर है कराची की जी। सर बस, और एक से बढ़कर एक बिरयानी है। बिल्कुल है, मगर अब एक बात है, एक बच्चा दुनिया में आया उसके लिए बिरयानी, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर बिरयानी, कुरान पढ़ लिया बिरयानी, शादी हो गई बिरयानी, फिर उसकी डेथ हो गई ना, फिर भी बिरयानी, फिर भी बिरयानी, फिर चावल खाएंगे। तो सर दिस इज टू मच ना। कर दिया, अब ये प्लेटर पूरा तैयार हो गया इसका। दम है भाई, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा भाई, स्टार्ट है। वाकई भाई स्पेशल है। वाह जी वाह, मुंह में पानी आ गया भाई, खाते खाते मुंह में पानी आ गया। बोले भाई, लेकिन अपना हाथ तो चलेगा भाई चिकन वाले पे, चिकन वाले का बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम लोग मौजूद हैं तारिक रोड कराची, और यह है डोसा पॉइंट। आज ये डोसा पॉइंट पर जो है हम आए और यहाँ पर ट्राई करेंगे हम यहाँ का डोसा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे चैनल वीडियो देखना चाहते हैं। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये आलू का सालन इसके ऊपर? जी जी, ये मसाला डोसा कहलाता है। ओके, तो इसमें आलू की बजाय रखते हैं। ये बेसिकली किस चीज का आटा है? चावल और माश की दाल। चावल और माश की दाल, ओके। ये रेडी हो गया? हाँ, देखिए इसको सर्व कैसे करते हैं। ओके, ये ट्रे में हमारे पास क्या है? चटनी है, ये कोकोनट सॉस है। ओके, कोकोनट सॉस, सांबर रोल इसके साथ। सांबर रोल, सांबर वेजिटेबल दाल। अच्छा वेजिटेबल दाल, ओके। अच्छा दान भाई, क्या होने लगा? देखिए अब हम बना रहे हैं चिकन डोसा। चिकन डोसा, हाँ, और एक मसाला डोसा। ओके, थोड़ा मोटा रखना बेटा। ये हो क्या रहा है दान भाई? ये डोसे की वो बन रही है, ब्रेड बन रही है। ओके, ये इसी को डोसा बोलते हैं। और ये डोसे डोसा बेसिकली कौन से आटे से बना हुआ है? ये चावल और माश की दाल का पेस्ट है। ओके, अदनान भाई ये स्पेशलिटी कहाँ की है? ये साउथ इंडियन फूड है। साउथ इंडियन फूड, जी जी। और ये इस वक्त जो बना रहे हैं मेरे साहबजादे हैं। माशाल्लाह, क्या नाम है इनका? शाजिल नाम है। शाजिल, जी जी। ओके, ये भी एक्सपर्ट है बनाने में? सर माशाल्लाह सबसे अच्छा बना, मुझसे भी अच्छा बना। ओके, इसका मतलब ये आपसे भी बड़े कुक है? जी आपसे भी बड़े कुक है। सर शेफ है, सर शेफ। ओके, शेफ आजम है, शेफ आजम। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी नई जनरेशन है ना बॉस, जी जी, वो जाहिर सी बात है इनोवेशन, और जितना अभी आजकल का जो एडवांस दौर है, तो हमें जो नहीं पता वो बच्चों को पता है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा है। इंटरनेट का दौर है जी, इंटरनेट का दौर है, बिल्कुल बिल्कुल। जो बात माँ बाप को नहीं पता बच्चों को पता है। नहीं तो आप ओबीडियंट बेटा मेरा, अल्लाह जितना शुक्र अदा करे काम है। बेशक, जो फर्स्ट ब्रांच है हमारी वो इन्होंने संभाली हुई। अच्छा माशाल्लाह, वो किस तरफ है? वो चार मीनार से बस यहाँ से दो गली छोड़कर है। ओके, 200 रेस्टोरेंट के बिल्कुल बराबर में। अच्छा अच्छा, जो जो चौरंगी बिन चौरंगी पर है? जी जी जी, ओके। बस 200 रेस्टोरेंट है उसके कोने पे हमारी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखा अभी हमने आते हुए। 28-29 साल से। अच्छा इस पेस्टिंग हो रही है अभी? ये हाँ, ये मसाला डोसा कहलाता है, पोटैटो का। और बेटा ट्रे लगाइएगा, ट्रे लगाइएगा। और ये जो हम बना रहे हैं ये चिकन है, अब बनाएंगे वो चिकन। अच्छा दान भाई, क्या वजह है कि आपने जो है ये इंडियन डोसा ही जो है इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर? देखिए नहीं, फील्ड तो बहुत बड़ी है, मगर इस हमारी जो कौम है, हमारे पाकिस्तानी बिरयानी से बाहर नहीं आ रहे। बिरयानी बहुत मशहूर है कराची की जी। सर बस, और एक से बढ़कर एक बिरयानी है। बिल्कुल है, मगर अब एक बात है, एक बच्चा दुनिया में आया उसके लिए बिरयानी, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर बिरयानी, कुरान पढ़ लिया बिरयानी, शादी हो गई बिरयानी, फिर उसकी डेथ हो गई ना, फिर भी बिरयानी, फिर भी बिरयानी, फिर चावल खाएंगे। तो सर दिस इज टू मच ना। अच्छा अच्छा, हाँ। अब आप लोगों को खिलाएंगे डोसा? सर ये खिलाते हुए 30 साल हो गए मुझे, अब थर्ड जनरेशन आ रही है माशाल्लाह।
एक बात बताइए जी, अब इसको हमने पलटा नहीं तो ये हाँ, अच्छा तो नहीं, नहीं अगर आटे की रोटी जो हम होती है ना उसको दोनों साइड पलटना पड़ता है, इसको नहीं से पलटना पड़ता है क्योंकि इसमें बारीक बारीक से होल्स होते हैं तो स्टीम उससे गुजरती है ना, दैट्स इट। अच्छा अब इसमें क्या डालने लगा है बॉस? कोकोनट सॉस है हमारी। कोकोनट सॉस जी जी ओके। अच्छा ये सर ट्रे में सब होता है जी जी इस तरीके। एक आ गई हमारी कोकोनट सॉस, अब ये क्या ये वेजिटेबल दाल, इसको सांभर बोलते हैं। ओके जी जी, ये दाल से बना हुआ है, ये मिक्स वेजिटेबल दाल है। मिक्स वेजिटेबल दाल जी 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 ओके। और ये दाल है मूंग की मेरे ख्याल? नहीं तीन मिक्स है। अच्छा मिक्स दाल है और मिक्स दाल है, मिक्स है। अच्छा सर ये ओके है बिल्कुल जी। अच्छा ये कहाँ आ जाए? अच्छा व्यूअर्स हमारे साथ हैं इस वक्त दान भाई और ये बिल्कुल हमें डीपली इसके बारे में बता रहे हैं। ये है जी सांभर दाल ऐसे जी। अच्छा सांभर ये इंडियन नेम है जी? थी इंडियन, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन नेम है जी जी। ओके ओके व्यूअर्स, अभी हम आपको इसका खा के रिव्यू भी देंगे कि खाने में कैसा है और जेन्युइन रिव्यू इंशाल्लाह हम आपको देंगे, जो भी होगा आपको जरूर बताएंगे खाने। अच्छा भाईजान ये क्या हमारा पावर रेडी हो रहा है? ये पावर रेडी हो रहा है। ओके ये आम से बन के आपने जो है जी मक्खन लगाया? जी जी नीचे मक्खन लगाया पहले। ओके ये बटर यूज किया आपने? बटर यूज किया। ओके इसको मतलब गर्म करना मकसद है इसमें? जी गर्म करते हैं साथ में। ये हमारा हो रहा है पाव, पाव भाजी रेडी है। अब क्या होने लगा है भाई? अब भाजी गर्म होगी जी। भाजी भाजी जी। इसमें क्या क्या आइटम शामिल है? इसमें मिक्स वेजिटेबल है। मिक्स वेजिटेबल हाँ। ओके देखिए भाजी जो है जिसमें मटर है, शिमला मिर्च है, गाजर है, टोमेटोज है, कैप्सिकम ये सब चीजें और पोटैटो है और उसको मैश करके फिर इसमें जो मसाले है ना असल चीज वो है। ओके। वो काफी यहाँ मिलते नहीं है। अच्छा तो बात है फिर वो भारतीय मंगाए दुबई वगैरह से। अच्छा लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्ट ये है कि आपके आंसू निकलते हैं ना तो बड़ा मजा आ गया, हालांकि वो तो काम खराब हो गया। तो असल जो टेस्ट है ना वो तो जायका है, वो मिर्च को खत्म कर देती है। अगर आप कोई भी चीज खा के आंसू निकल रहे हैं तो इट मीन्स कि आप को नुकसान पहुंच रहे हैं, ठीक है ना? तो टेस्ट जो है वो तो अब दुनिया में कितने इटालियन खा रहे हैं इसके बाद दोबारा जो है आप लगाएंगे बटर, कोई वाली बात है कि डिमांड या बटर अलग से सब करेंगे इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा इसके ऊपर आए ओके, बटर की पेस्टिंग आ गई इसके ऊपर, वो चाहिए इसके ऊपर बटर भी लगाते हैं पार्टी के। ये क्या है? ये साथ में इसके साथ पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी, ये ग्रीन चटनी देंगे, ग्रीन चटनी बटर के साथ ये रखेंगे, ग्रीन चटनी होगी, लेमन होगा, लेमन लेमन काटा बेटा वो ऊपर काट रहा था। ये हमारा ये पाव तैयार है, पाव बस इसके साथ अब प्याज और एक लेमन आएगा, प्याज और एक लेमन आना जी। ओके जल्दी। अच्छा विवाद ये जो रह गया था ये भी ना, प्याज भी आ गए और इसके साथ ये नींबू भी ना सर्व कर दिया। अब ये प्लेटर पूरा तैयार हो गया इसका जी सर, बनते हुए तो आपको हमने दिखा दिया है और लग तो कोई स्पेशल ही रहा है ना। अच्छा मैं इसके आपको प्राइस आपको बता दूँ, हमने लिया है मसाला डोसा, मसाला डोसा इनका है 500 रुपये का और चिकन डोसा इनका है 600 रुपए का। हमने चिकन डोसा और मसाला डोसा लिया, ये आपको खा के रिव्यू देते हैं कि खाने में कैसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं डोसा पॉइंट और ये है बहादराबाद क्लब के बिल्कुल सामने। बहादराबाद क्लब बहुत मशहूर और फेमस है, फेमस तो माशाल्लाह ये भी बहुत है, अगर आप इनका फिर से पूछेंगे तो आप इजीली आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये इनकी दूसरी ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है इनकी मेन चार मिनार चरंगी के बराबर में इनका जो है फूड कार्ट लगा है, ऐसा ही ना? जी जी बिल्कुल। ओके अच्छा व्यूअर्स फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया है और ऑर्डर हमने दे दिया है बहुत सारा। ये है हमारा चिकन डोसा, ये है हमारा वेजिटेबल डोसा और ये है पाव भाजी। पहले हम हाथ साफ करेंगे चिकन डोसा पे और चिकन डोसा मैं आपको खा के बताऊंगा चिकन डोसा इनका कैसा है। बनते हुए तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं आपको जो है खा के रिव्यू देता हूँ खाने में कैसा है। इन्होंने इनके इसके साथ दो किस्म के जो है फ्लेवर दिए हैं, एक तो ये कोकोनट है और ये जो है इनके मिक्स डाले हैं। बिस्मिल्लाह टेस्ट है भाई, दम है भाई, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा भाई इसका टेस्ट, वाकई भाई स्पेशल है। विवर मुंह में रखने के बाद टेस्ट इसका यूनिक आ रहा है, इसके अंदर फिलिंग है चिकन की
और चिकन वाकई बोल रहा है, कुकड़ू बोल रहा है। हम ट्राई करते हैं सिर्फ इस दाल के साथ, जो मैंने दाल जो इसके साथ सर्व की है, इसके साथ ट्राई करके बता दो। वाजिबा वेल, हाई रिकमेंड है भाई, जबरदस्त है। अब बारी आ गई जी वेजिटेबल की, इसको ट्राई करके बताता हूँ आपको। इसके मसाला डोसा ऑथेंटिक यही है। इसकी जो फिलिंग है वो पोटैटो की है, आपको नजर भी आ रहा होगा, मैं इसको बनते भी आपको दिखा चुका हूँ। मुँह में पानी आ गया भाई, खाते खाते मुँह में पानी आ गया। इसकी फिलिंग भी इसके साथ भी जो है, ये कोकोनट वाली सॉस है और ये दालें, सिर्फ कोकोनट ट्राई करते हैं इसको। सुनिए भाई, चिकन का टेस्ट जो है वो अलग है, और ये जो पोटैटो का वो बिल्कुल अलग है टेस्ट। इसको ट्राई करते हैं हम दाल के साथ। वैसे आपको मैं दिल की बात शेयर करूं, चिकन वाला टेस्ट जो है वो वाकई अच्छा था, मतलब उसमें चिकन का टेस्ट जो आ रहा था उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ पाव भाजी। ऑर्डर मुझे लग रहा है लंबा चौड़ा हमारा हो गया, तो माशाल्लाह खाना काफ़ी है और हम सिर्फ दो लोग हैं, मैं और उज़्मा। ये आ गई जी हमारी, इसको हम ट्राई करते हैं। इन्होंने इसके ऊपर डाला है चम्मच भर भर के मक्खन, मिक्स नहीं करें, मतलब ऐसे ऐसे ही खाएं। हाँ मुझे लग रहा है ऐसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पहले मैं सिर्फ जो है इसको ट्राई करता हूँ, बाद में जो है इसके साथ ये चटनियाँ ट्राई करेंगे। बड़े भाई यूनिक है। अच्छा ये पाव भाजी एक दफा मैंने ट्राई की थी। पाव भाजी हमने ट्राई की थी, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल अलग था, वो खालादर की बात थी। और ये जो है टेस्ट उसका अलग है। अब ये इन्होंने चटनी इसके साथ दी है, हरी चटनी, इसके साथ ट्राई करके बताता हूँ। राजीव हाँ तीखी है, तीखी है, तीखी है। हाँ अच्छा जी, मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देने का आदी। इन तीनों चीज़ों में मुझे जो ज़बरदस्त मज़ा जिसमें आया वो आया चिकन वाले, जो इनका चिकन डोसा है वो हाईली रिकमेंड है। अगर कोई वेजिटेबल पसंद करता है तो उसके लिए बेस्ट है। और पाव भाजी तो हाई डिफरेंट, बिल्कुल अलग चीज़ है। इसके साथ जो है मैं ट्राई करके बताता हूँ आपको चटनी, और इन्होंने प्याज दिए इसके साथ, कच्चे प्याज दिए, ये इसके साथ बन गया इसका पूरा फाइट। बोले भाई, लेकिन अपना हाथ तो चलेगा भाई चिकन वाले पे, चिकन वाला इनका बेस्ट है। अच्छा आपको क्या लगता है, अगर हम चलें मैं और आप तो बाहर का बहुत खाना खाते हैं, बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? बच्चे तो चिकन पे टूट पड़ेंगे भाई, बच्चों को चिकन वाला बहुत पसंद आएगा। और बाकी चिकन वाला है भी बहुत जबरदस्त, यहां मैंने देखा दो तीन बच्चे आ रहे थे खा रहे थे। इसका जो मसाला जो उन्होंने बनाया हुआ है, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। जो उन्होंने मसाले यूज किए वो यूनिक है, जो बिल्कुल अलग टेस्ट है। वेज हाईली रिकमेंड है। आप यहाँ इस तरफ आए तारीगढ़ की तरफ और डोसा ट्राई करने का मूड हो तो आप यहाँ आके डोसा ट्राई कर सकते हैं, और अपनी पसंद का डोसा आप मंगा सकते हैं। वेजिटेरियन है वेजिटेरियन, चिकन है तो चिकन खाएं, और खाइए आप ये जबरदस्त सा पाव भाजी, आपको जरूर मजा आएगा। हम करते हैं जबरदस्ती डिशेज मंगाए, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।